नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज विभाग ने सचिव का जो पद है वो किन किन पंचायतों में खाली है वो किस प्रकार से चेक करते हैं, क्योंकि पंचायत सचिव का जो भर्ती है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्दी उसके आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस पंचायत में सचिव का पद खाली है या नहीं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दीपेश कौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन है, या तो आप पंचायत में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं कि पंचायत में सचिव है या नहीं, अगर सचिव है तो उसे प्रभार दिया गया है केवल उसी पंचायत के लिए। और दूसरी बात, हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन में ये समस्या रहती है कि कई बार अपडेट नहीं होता, इसलिए हमें गलत जानकारी यहाँ पर मिल जाती। तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं, कई बार होता है, ठीक है, ऐसा सभी जगह नहीं होता कि आप अपडेट नहीं होता, ठीक है, अपडेट करते हैं पर लेट करते हैं। तो ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सर्च करना है एमपी पंचायत दर्पण, ठीक है, एमपी पंचायत दर्पण लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो पहली वेबसाइट देखने को मिल रही है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस तो हो जाएगा, यहाँ पर आपको होम पेज पर क्लिक कर देना। होम पेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने मध्य प्रदेश सरकार की पंचायती राज विभाग की पोर्टल का ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखना होगा ग्राम पंचायत वेबसाइट, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी ग्राम पंचायत वेबसाइट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद अपना आपको अपने जनपद सिलेक्ट कर लेना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद ग्राम पंचायत, आप जिस ग्राम पंचायत में देखना चाहते हैं कि सचिव का पद खाली है या नहीं उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम कौन सी भी एक पंचायत को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही डिटेल पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी जानकारी निकल कर आ चुकी है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर किस प्रकार से दिखेगा, तो यहाँ पर एक आपको आपको ऊपर दिख रहा होगा ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, सरपंच का नाम देखने को मिल रहा होगा और उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर आप सचिव का नाम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब सचिव का नाम आ रहा है, मतलब यहाँ पर सचिव है पहले से ही। और यहाँ पर आप रोजगार सहायक का भी देख सकते हैं कि रोजगार सहायक भी पहले से है, ठीक है। ये दोनों भर्ती दोस्तों जल्दी यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन, सचिव का तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और रोजगार सहायक का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी पंचायतों में सचिव और रोजगार सहायक की भर्ती होने वाली है। तो चलिए हम एक और दूसरी पंचायत देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से बैक चले जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर हम फिर से एक पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी पंचायत को, ठीक है, पर हम एक और पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कालधड़ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कालधड़ सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही पूरी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सचिव का पद खाली नहीं है, परंतु यहाँ पर जो है वो रोजगार सहायक का पद खाली, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई भी डिटेल नहीं, मतलब इस पंचायत में रोजगार सहायक नहीं है। चलिए दो से तीन पंचायत हम फटाफट आपको देख के और बता देते हैं। और पंचायत की जानकारी डालिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी है पूरी जनपद पंचायत खिड़कियाँ की हमने प्रोफाइल खोली थी। जनपद पंचायत प्रोफाइल खोलने पर यहाँ पर हमें पता चला कि 70 ग्राम पंचायत है टोटल, तो 70 ग्राम पंचायत में से आप देख सकते हैं कि कितने टोटल इसमें हैं जो सचिव हैं। टोटल ग्राम पंचायत से भी आप पता लगा सकते हैं। हमने एक और रामपुरा पंचायत भी ओपन कर लिया, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सचिव का नंबर भी नहीं, मोबाइल नंबर आ रहा है पर उसका नाम नहीं आ रहा है, और रोजगार सहायक का भी नाम आ रहा था। कई बार ऐसा होता है कि एक सचिव को दो दो पंचायत दी जाती है जो उसकी मेन पंचायत है, उसके बाद उसको प्रभार भी दे दिया जाता है, इसलिए भी यहाँ पर उनका नाम लिखा था। तो एक बार आप अपनी पंचायत में, जिस पंचायत के अंतर्गत अप्लाई करने वाले हैं, उस पंचायत में जाकर पता कर लीजिए कि सचिव को प्रभार दिया गया है या सचिव खुद ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप पंचायत दर्पण के एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, परंतु पंचायत के एप्लीकेशन या पंचायत दर्पण दोनों में देखेंगे तो सेम ही जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने यहाँ के जो रोजगार सहायक और सचिव का पद देख सकते हैं खाली है या नहीं। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लाइव के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद जय भारत।